एशिया की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका और सरकार के बीच की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई लड़ाई नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई महाभारत नहीं छिड़ी हुई है, हम सब मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हम एक ही टीम तो है, इसको अलग तरीके से क्यों देखते हैं लोग? और वो मजा आता है किसी को लिखने के लिए, जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट, कहां महाभारत छेड़ा हुआ है बताइए। हर दिन ऐसा हेडलाइन बना देते हैं कि बहुत बड़ा लड़ाई छेड़ गया है, कुछ ऐसा नहीं है। और हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने न्यूज में मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा कि देश के मालिक देश के लोग यानी जनता है, संविधान गाइड है और संविधान के मुताबिक ही देश चलेगा। भाई, इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है, और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता के सोच से देश चलेगा, कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को महान देश के सेवक के रूप में देखता हूं। कानून मंत्री ने ये जरूर कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। अधिवक्ताओं से कहा कि हाईकोर्ट में बार की परंपरा को बनाए रखे। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। आज यहाँ जितने बैठे हैं प्रिविलेज लोग हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं, पढ़ाई लिखाई करके तो बने हैं, तो हम तो बहुत खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि देश के लिए कुछ काम करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी प्राप्त किया हुआ है। और उस जिम्मेदारी को छोड़ के हम कहां लड़ाई में टाइम नुकसान करेंगे। तो कभी कभी देश में कुछ मामले में चर्चा चलती है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, अपने अपने बात कहने का हक होता है, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी पद पर रहते हैं उनको सोचना होगा कि कुछ कहने से पहले कि इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा नहीं होने वाला बात कहना क्यों चाहिए? तो इसलिए हम लोग सब जिम्मेदारी लोग हैं, जब 150वीं साठगांठ वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो फिर हम लोगों को भी निर्णय करना होगा कि पूरा जुडिशरी का, सरकार का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो परंपरा है उसको बनाए रखें और आगे हम कैसे ले जा सकते हैं। वहीं देश की अदालतों में मुकदमों की पेंडेंसी पर कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में 4,90,00,000 मुकदमे लंबित हैं। ये पेंडेंसी जी जल्द कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम इस पेंडेंसी के रेट को कम कर सकते हैं। इसके लिए समाधान खोजे जा रहे हैं, मैन पावर के अलावा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। अदालतों में 2015 में ई कोर्ट फेज 2 की शुरुआत हुई थी। भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम है। कोविड-19 के दौरान भी मुकदमों की सुनवाई में इसका लाभ मिला। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि 2015 में 1670 करोड़ का बजट ई कोर्टों के लिए आवंटित हुआ था। पैंडेमिक के दौरान अदालतें खुली और लोगों को न्याय मिला, और इसका वैश्विक स्तर पर संदेश गया है। जिस तरह से कोविड-19 के दौरान अदालतों में काम हुआ, यह विदेशों की कल्पना से बाहर है। कानून मंत्री ने कहा भारतीय न्यायपालिका को ई कोर्ट के थर्ड फेज में ले जाएंगे। इसके लिए बजट में 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विक्टिम को ट्रांसपोर्ट की वजह से तकलीफ हो रही है। मुकदमों का बोझ किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ई कोर्ट के थर्ड फेज में लीड रोल लेने का भी आह्वान किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा बोलना अच्छी बात है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन भाषा बोलने से पहले सोच महत्वपूर्ण है। कानून मंत्री ने कहा देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। चीन के बाद हिंदी बोली जाने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि रीजनल लैंग्वेज में हाई कोर्ट में फैसले हों। अधिवक्ता अदालतों में मातृभाषा में बात करें ताकि वार्डकारी भी उसे समझ सके।
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि रीजनल लैंग्वेज में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसले होने चाहिए। कानून मंत्री ने कहा इसके लिए शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। मुकदमों में कमी लाने के लिए मीडिएशन बिल लाने की तैयारी हो रही है। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए कई नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। आम आदमी को लीगल सर्विसेज मिले, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार के स्थापना दिवस पर बार ने लाइब्रेरी का जो मुद्दा उठाया है उसे आगे बढ़ाएंगे। कानून मंत्री ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है, इसलिए हमारी तुलना विश्व में कहीं नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐतिहासिक कार्यक्रम में बुलाए जाने पर हाईकोर्ट बार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को जल्द न्याय मिले, देश में इस भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समापन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस कृष्ण मुरारी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की, वहीं अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रम नाथ ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की कुछ अपने अलग अंदाज में ही तारीफ की। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लेकर मशहूर कवि कुमार विश्वास की कविता की कुछ लाइनें भी पढ़ी, जिसके बाद पूरा पंडाल हंसी ठहाके से गूंज उठा। ये तेरा दिल समझदा है या मेरा दिल समझदा है, ये पंक्तियां मैं अपने ऊपर भी लगाता हूँ, इनके ऊपर भी लगाता हूँ, अपने गुरु के ऊपर भी लगाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मंत्री जी मेरी बातों का बिल्कुल लाइटर मेड में है। बाहर का फंक्शन है, उत्सव है, 150 वर्ष का यहाँ पे हो रहा है, कोई सीरियस बात थोड़ी ना, ये तो हंसी मजाक और नाच गाने का वक्त है, कुछ होना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए शाम को कुछ। ओझा जी जो है अब जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, फॉर्मेलिटी निभा के चले जा रहे हैं, ये ठीक से इन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया। इन्होंने ऐसे नहीं होता, 150 वर्ष का फंक्शन, इनको कायदे से कुछ शाम को कव्वाली होनी चाहिए थी, मुशायरा का भी सम्मेलन होना चाहिए था। हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब आए तो खाली पड़ा हुआ था पंडाल, तो भर गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए कुछ आवाज निकल रही है, वरना तो हम नमस्कार करके चले जाते हैं यहाँ से।